हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो दोस्तों, आज हम अपने एसी की सर्विस करने वाले हैं। दोस्तों बेसिक की सर्विस करेंगे, इसके ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे हम। तो दोस्तों मैं इसका सिर्फ फिल्टर क्लीन करके आपको दिखाऊंगा। दोस्तों ये एलजी का एसी है। तो दोस्तों इसे सर्विस करने से पहले आप ये देख लें कि इसके सारे कनेक्शन हटे हुए हों, यानी कोई भी प्लग ना लगा हो। देख सकते हैं इसे ऊपर की तरफ आप पेस्ट करेंगे तो ये फिल्टर खुल जाएगा। दोस्तों इसके लिए आपको इंजीनियर के बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही इसकी सफाई करके इसे वापस लगा सकते हैं। देख सकते हैं कितना गंदा है ये फिल्टर, तो इसे नॉर्मली पानी से वॉश कर लेंगे और किसी ब्रश की सहायता से इसे क्लीन भी कर लेंगे। तो चलिए पहले हम ब्रश लेने चलते हैं। दोस्तों ये मेरी टूल किट है, आप देख सकते हैं मैंने इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो भी डाली है। नॉर्मली ब्रश है दोस्तों, आप किसी भी ब्रश से साफ कर सकते हैं, बट ध्यान रहे कि आप ज़्यादा हार्ड यूज़ ना करें। दोस्तों अगर आपके पास पानी का प्रेशर के लिए कुछ है तो आप उससे ही इसकी क्लीनिंग कर लें, उससे काफ़ी अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा। दोस्तों आगे पीछे से अच्छी तरह से पानी से क्लीन करने के बाद आप देख सकते हैं कितना साफ हो चुका है, पहले ही कितना गंदा था। दोस्तों अच्छी तरह से सुखाने के बाद ही इसे लगाएं। दोस्तों इसे वापस लगा देंगे और साफ कपड़े से अपने एसी को भी पोंछ देंगे। दोस्तों हमारी कॉपर कॉइल काफ़ी क्लीन थी, इसीलिए मैंने अंदर से इसे साफ नहीं किया, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके स्विंग को भी आप अच्छी तरह से साफ़ कर लें। और देखिए दोस्तों कॉपर कॉइल काफ़ी अच्छी है, इसलिए मैंने इसे खोलकर साफ़ नहीं किया। जब ये गंदी होगी तो मैं आपको इसकी भी एक वीडियो बनाकर दे दूँगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो।